जीवन में लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? कोई कहेगा मित्र की सहायता से, कोई कहेगा प्रेम से, कोई कहेगा निरंतर प्रयास करने से, परिश्रम करने से, कोई कहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से, आदि इत्यादि। मैं आपको समझाता हूं, जैसे त्रिलोक अर्थात तीन लोक जिसे संचालित करते हैं त्रिदेह, तीन देह, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीन भावों की आवश्यकता। पहला भाव है स्वप्न देखना। आप स्वप्न देखना आरंभ करेंगे ही नहीं तो उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाए। तत्पश्चात आपको दृढ़ संकल्प से, चाहे मार्ग जैसा भी हो, उस पर चलना होगा। ये दूसरा भाव है दृढ़ संकल्प। और तीसरा भाव है इस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो यदि आप स्वप्न देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प से मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उस पर चल सकते हैं और उस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।